हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। सो ये हमारा यूनिट 6 है ईवीएस 20 सीरीज़ का। ईवीएस 20 सीरीज़ में जो हम बाकी वीडियोस को कवर कर चुके हैं अभी तक, यूनिट 5 को यानी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट तक का हमने पोर्शन कवर कर लिया है। तो अगली यूनिट जो हमारी है यूनिट 6 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ी है। और इसको इसलिए पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि बड़ी होने के कारण इसके सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम टॉपिक्स को भी कवर करना ज़रूरी है। सब कुछ कवर भी नहीं किया जा सकता लेकिन मैक्सिमम कवर करना भी ज़रूरी है। तो सब कुछ और मैक्सिमम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली जो आपका यूनिट 6 है वो आपका है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। दो यूनिट आपके जो सिलेबस में है, एक है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका गैस है वो एक ऐसी गैस है, देखो जैसे बाकी गैसेस होती हैं उनका एक स्मेल होता है, एक टेस्ट होता है, एक कलर होता है, उस चीज़ से जिसके बेसिस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर उनके उनसे होने वाले डेंजरस थ्रेट्स से बच सकते हो। लाइफ को वहाँ से आप जैसे पता चलेगा कि आप कहीं पे LPG लीक हो रही है तो आपको मालूम चल जाएगा क्योंकि उसमें एथिल मर्करटोन जैसी गैसेस होती हैं, तो आपको पता चलेगा हाँ यहाँ LPG लीक हो रही है कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर से, तो आप उसे दूर हटोगे या उसको आइडेंटिफाई करके उसके सोर्स को जल्दी से उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, उसको बंद करने की कोशिश करोगे। जैसे कि H2S गैस निकलती है तो सड़े हुए अंडे जैसी उसकी स्मेल आती है। बट क्या कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके का स्मेल आपको फील ही नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मल एक एयर होती है, आप एटमॉस्फेयर में हो, उसी तरीके की एयर भी में वो मिक्सअप रहेगी, आपको किसी भी तरीके की स्मेल फील नहीं होगी, यानी ये ओडरलेस है। किसी भी तरीके की कलर, ना डार्क ना ब्राउन ना हेयर ना तो लाइट, किसी भी तरीके की नहीं, एकदम जैसी एयर एटमॉस्फेयर है उसी तरीके से, तो कलरलेस भी है, टेस्टलेस तो बिल्कुल भी है। और इस यही एक ऐसा क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसका डेंजरस होने के भी और भी कारण हो सकते हैं क्योंकि उसका टॉक्सिसिटी आपकी इम्पैक्ट जो पड़ेगी वो मैं आगे बता रहा हूँ। फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसका फॉर्मेशन जो कि बेसिकली होता है इनकम्प्लीट कम्बस्टन से। अगर इसको कोई भी चीज़ आपका कम्बस्टन हो रहा है, चाहे वो कार्बन हो या कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन हो या कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो अगर ऑक्सीजन कम्प्लीटली नहीं मिल रहा है उसको, तो उसका इनकम्प्लीट कम्बस्टन होगा। अगर इनकम्प्लीट कम्बस्टन होगा तब जा करके आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। जैसे कि आप फर्स्ट सेक्शन में देखिए कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फाउंड ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल्स उसके। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स अगर चार होते, यानी 2CO2 का फॉर्मेशन होता, चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, दो कार्बन के मॉलिक्यूल होते, तब जा करके एक यानी दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स को कम्प्लीटली कम्बस्टन होने के लिए चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, तब जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर इनकम्प्लीट कम्बस्टन हो रहा है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट इन अ लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन कंटेनिंग मटीरियल एट अ हाई टेम्परेचर एज इन अ ब्लास्ट। अब हाई टेम्परेचर में भी जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिसोसिएशन होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ CO2। सेम रिएक्शन होगा, ऊपर वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स 2CO, यानी दो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है इसमें हाई होना चाहिए। कार्बन इमिशन जो होता है बेसिकली आपके जो एटमॉस्फेयर यानी अर्बन एरिया में या फिर बाकी एरिया में जो भी पाया जाता है एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया में, तो उनका जो मेन सोर्स होता है वो होता है व्हीकल एग्जॉस्ट। व्हीकल एग्जॉस्ट में ये क्या होता है कि जब इनका कम्बस्टन होता है आपके भी फ्यूल्स का, तो उसमें एयर फ्यूल रेशियो या तो मेंटेन नहीं हो पाता, यानी जो आपका एयर फ्यूल रेशियो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं होता, इनको कम्प्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो कम्प्लीटली ये बर्न नहीं हो पाता है। जब डू नॉट कम्प्लीटली बर्न होंगे ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिलीज नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन यहीं पे हो जाता है। यानी ऑब्वियसली बात है जब कंप्लीट कम्बस्टन होगा इनका तब जाके निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ व्हीकल कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग पार्शली ऑक्सीडाइज फ्यूल। अगर इनको रिड्यूस करना है तो आप व्हीकल में आप क्या यूज़ करोगे, पार्शली ऑक्सीडाइज को, आपका जो फ्यूल होगा उसको पार्शली ऑक्सीडाइज कर दो, तो आधा ऑक्सीजन वहाँ मिल गया, बाकी आपका एयर फ्यूल रेशियो जो होगा वो उसको ऑक्सीजन जो मिलेगा वहाँ पे 14:16 का होता है, तो उसको आप मेंटेन कर देगा वो, लाइक एल्कोहल एंड द बाई वेरी वेराइटी ऑफ आफ्टर बर्न डिवाइसेस टेंड्स टू एक्युमुलेट इन एरियाज
कंसंट्रेट व्हीकल ट्रैफिक वहाँ पर ये काफ़ी मात्रा में पाए जाएंगे। अब जो इसके सिंकिंग होते हैं, सिंकिंग होती कहाँ पे ये सिंक हो सकते हैं, देखो बेसिकली द रेसिडेंस टाइम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एटमोसफियर कितना होता है, वो 4 मंथ होता है अगर ऑर्डर के रूप में आप लेंगे तो। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोसफियर बाय रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिल रेडिकल। कोई भी चीज़ होती है एटमोसफियर में अगर बेसिकली वो पॉल्यूटेंट की तरह है तो उसे कौन झाड़ू पोछा मार के उसको ख़त्म करता है, वो होता है आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल। इसके मंजर बोला जाता है पूरे एटमोसफियर के पॉल्यूशन को रिमूव करता है, मेंटेन करता है, हटाता है, एकदम से कम्प्लीटली फॉनिश कर देता है, वो होता है आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल। एट हाइड्रोक्सिल रेडिकल को इसीलिए ही एटमॉस्फियर का स्कैवेंजर बोला जाता है। द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विद द कॉस्मेटिक सॉरी विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हाइड्रो परऑक्सिल रेडिकल एज अ प्रोडक्ट। हाइड्रोक्सिल पर क्या कहते हैं ऑक्सिल बनाएगा, हाइड्रोक्सिल परऑक्सिल हो गया यानी आपका HOO का फ्री रेडिकल फॉर्म जो होता है, हाइड्रोक्सिल पर ऑक्सील का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, एम जो होती है एनर्जी रिलीज करती है। इसी तरीके से आप ओजोन फॉर्मेशन के रिएक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका एम जो होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की चीज़ें आपके क्या कहते हैं कि रिएक्शन में पाई जाती हैं, यही जो होती हैं कि आपके एक क्या कहते हैं इक्वेशन को बैलेंस बनाती है, जो केमिकल रिएक्शन होता है इसको बैलेंस बनाती है। अदरवाइज इनका क्या कहते हैं बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं होगा तो वो कंटिन्यूसली नहीं बन पाएगा और वो ब्रेकिंग में हो जाएंगे फॉर्म में, तो आपका एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट होने वाला होता है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए एक्सेस जो हीट या एनर्जी रिलीज होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है यूजली इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर क्या होता है आपका, फिर आपका जो ये क्या कहते हैं एचओ का फ्री रेडिकल यानी हाइड्रोक्सिल का फ्री रेडिकल जो हो गया इज रीजनरेटेड फ्रॉम हाइड्रोपरऑक्सिल, कहाँ से हाइड्रोपरऑक्सिल यानी HOO का फ्री रेडिकल बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। किससे आप देखेंगे, आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल परऑक्सिल का जो हो गया आपका प्लस NO गिव्स क्या दे रहा है आपका हाइड्रोक्सिल आयन प्लस NO2। फिर आपका वही क्या कहते हैं कि हाइड्रोपरऑक्सिल जो हो गया रेडिकल्स ये आपका फिर से हाइड्रोक्सिल परऑक्सिल रेडिकल यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के ये H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। द हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म अंडरगोज द फोटोकेमिकल डिसोसिएशन टू रीजनरेट, क्या फिर से रीजनरेट हो रहा है आपका हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इसी तरीके से रीजनरेट होता रहता है और बाकी अपने रिएक्शन में चीज़ों को रिमूव करता रहता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो ओजोन फॉर्मेशन की हो, पैन में भी इसका पूरी तरीके से योगदान होता है जो थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने यूनिट फर्स्ट में थोड़ा बहुत आपने जब हमने पैन का और फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने इसको डिटेलिंग में डिस्कस की है कि उसमें हाइड्रोक्सिल क्या कहते हैं कि आयन का क्या रोल है। अब देखिए इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। थोड़ी सी मात्रा अगर आपको एटमॉस्फेयर में मिल गई और आपके कांटेक्ट में आ गई तो ये ऑक्सीजन से जल्दी से भाग करके ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा तेज़ भाग करके आपके ब्लड के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से कई 100 गुना ज़्यादा होती है। कितनी होती है आप सर्च करो। फिर आप क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके बनाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और आपका जो हीमोग्लोबिन होगा ऑक्सीजन को कैरी करने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई आपके बॉडी में माइंड में कम हो जाएगी और एनोक्सिया यानी हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन हो जाएगी जिससे आपको प्रॉब्लम होगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपका जो सेचुरेशन लेवल हीमोग्लोबिन में चेक किया जाता है तो परसेंटेज ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू बीटा, बीटा आपका यहाँ पर होता है 0.5% पर PPM कार्बन मोनोऑक्साइड 1 - e की पावर आपकी होती है गामा टी, जो का टाइम दिया जाता है आपका एक्सपोजर टाइम इन आवर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं गए लेकिन ये इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों में फ़र्क है इसको देखिएगा। फिर क्या होता है आपका VOCs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरीके से आते हैं कि हाँ VOCs कुछ दे दिया जाएगा, फिर इसमें VOCs आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि हाँ ये VOCs होते हैं। हाँ तो आप बिल्डिंग मटेरियल में देखिए कि पेंट हो गया, वैनिशेस हो गए, कॉक हो गया, एडहेसिव, कारपेट, विनाइल, फ्लोरिंग, कंपोजिट वुड प्रोडक्ट एंड अन अप होलिस्ट्री एंड फूम। होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में आप देखेंगे एयर फ्रेशनर हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया आपका, और क्या हो गया गैसोलीन हो गया। एक्टिविटीज़ में आप स्मोकिंग के थ्रू, ड्राई क्लीनिंग के थ्रू आपका VOCs निकलता है, फोटो कॉपियर जो होते हैं फोटो कापी जो जेरोक्स करते हैं वहाँ से VOCs बहुत तेज़ी से निकलता है आपको समझो। आप पेंट में जो स्मेल आती है वो VOCs की बहुत भयंकर स्मेल आती है अगर आप खड़े हो जाओ तो वहाँ पे दूर, इसलिए कपड़ा वपड़ा बांध के वहाँ पे उसकी पेंटिंग की जाती है अच्छे से। कुकिंग हॉबीज़
कुकिंग हॉबीज, बर्निंग वुड, इन सब चीज़ों से निकलता रहता है। यानी बर्निंग वुड यानी कोयले से भी, अंगीठी से भी, कभी कभी इस चीज़ों से काफ़ी मात्रा में निकलता है। और अंगीठी उंगीठी से जो होता है कि गर्म ठंडियों में कभी आप देखोगे उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज़ी से निकलता है इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से। कभी कभी इसलिए लोगों की डेथ हो जाती है, सोते हुए भी उनको पता नहीं चलता, कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस पता भी नहीं चलता, और मर जाते हैं क्योंकि एनोक्सिक कंडीशन हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होने की वजह से वो इनकम्प्लीट कम्बशन, इसके पहले की प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने डिस्कस किया। तो ये VOC की ये फॉर्म हो गए। फिर आता है आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल। देखिए, दी हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ऑक्सीडेशन, किसका, VOC एंड मोस्ट ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट एटमोसफेरिक पॉल्यूटेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशिएटिंग द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को इनिशिएट करने के लिए, चाहे वो VOC हो चाहे अदर एटमोसफेरिक पॉल्यूटेंट हो, हाइड्रोक्सिल रेडिकल पूरी तरीके से अपनी रोल प्ले करता है। इट इज़ अ देयर फॉर अ क्रूशियल टू अ नेचुरल रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द एटमोसफियर। हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या होता है कि विच इज फॉर्म्ड व्हेन द एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट विथ वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एटॉमिक वाटर के साथ आपका वाटर क्या कहते हैं कि, तो आपका फन आएगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अब ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। एंड इट एटमोसफियरिक कंसनट्रेशन इज सो लो, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होता तो हाहाकार मचा देता। दैट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू अ डिटेक्ट, नेवर दस इट प्ले अ की रोल इन अ मेनी रिएक्शन इंक्लूडिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ NO2, बात किया था मैंने पहले, टू नाइट्रिक एसिड एंड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, अब बाकी ऑक्सीडेशन ऑफ NO2। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है आपका, फ्री रेडिकल सॉरी, ये जो है NO2 के साथ रिएक्शन करके बना रहा है आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। फिर से वही हाइड्रोक्सिल आयन जो है, जो मैंने बात किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना दे रहा है आपका CO2 प्लस एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आयन एटम्स को रिमूव कर दे रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से आपका ये रोल प्ले कर रहा है आपका RH यानी एल्किल हाइड्रोकार्बन्स जो हो गए, इनको एल्किल हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। यहाँ पे आप C2H5 कुछ भी रख सकते हो, एक तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ, आप इसको बैलेंस करके लिख सकते हो। R इसलिए यह शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी आप एल्किल हाइड्रोकार्बन यूज़ कर सकते हो। जो आपका एल्किल हाइड्रोकार्बन है कि ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हाइड्रोकार्बन यानी R का फ्री रेडिकल फॉर्म बनाता है। मैं RR ही बोलूँगा, आप उसको एल्किल हाइड्रोकार्बन समझिएगा। R का जो होता है वो फ्री रेडिकल फॉर्म बनाता है प्लस वाटर रिमूव करता है। फिर ये R का जो फ्री रेडिकल फॉर्म है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसका ऑक्साइड फॉर्म बना करके फिर से फ्री रेडिकल बनाता है। और फिर इससे ये जो होता है आपका R का ऑक्साइड फॉर्म जो होता है ये फ्री रेडिकल, ये NO के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, NO के साथ, और क्या बनाता है, RO। RO बनाता है वो भी फ्री रेडिकल फॉर्म में और NO2 को रिलीज करता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया NO के थ्रू। NO के साथ रिएक्शन करता है जब एल्किल हाइड्रोकार्बन का फ्री रेडिकल्स ऑक्साइड उसका फॉर्म, तो NO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये RO जो होता है का फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से बनाता है आपका HO2 प्लस RCHO। HO2 जो है NO के साथ रिएक्शन कर रहा है, देख लीजिए HO2 जो है फ्री क्या कहते हैं कि NO के साथ रिएक्शन करके NO2 को फॉर्मेशन कर रहा है और फिर से हाइड्रोक्सिल रेडिकल को रीजनरेट कर रहा है यानी रिप्रोड्यूस कर रहा है। यही हाइड्रोक्सिल रेडिकल फिर से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो पहले डिस्कस किया मैंने तुरंत जस्ट नीचे क्या बना रहा है, CO2 प्लस एक एटॉमिक हाइड्रोजन रेडिकल। फिर HO2 जो होता है वो NO के साथ रिएक्शन करके NO2 प्लस OH वही फॉर्मेशन हो गया आपका। अब CH3CHO हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, लास्ट में जो आपका ये बन रहा है CH3 यानी NO2 के साथ रिएक्शन करके जो बना रहा है वो होता है आपका पर स्टील ऑक्सी यानी पैन नाइट्रेट, पैन का फॉर्मेशन कर रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉक इसी को कहते हैं, यानी फोटोकेमिकल इसलिए होता है क्योंकि लाइट की ज़रूरत होती है। अब लाइट की ज़रूरत क्यों होती है, इसको मैंने प्लीज़ क्या कहते हैं कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें एटमॉस्फेयर की बात की है, तो उसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि ओजोन का फॉर्मेशन भी होता है, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन को फॉर्मेशन की वजह से NO2 को फॉर्मेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, NO2 को फॉर्मेशन किस तरीके से ओजोन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, और NO को फॉर्मेशन किस तरीके से NO3 के फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, किस तरीके से ये सब सारी बातें होती है, हमने इसको पहले डिस्कस किया कर चुका हूँ। आप देखिए जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है एंड एक्रोलिन होता है, एक तरीके का आई इरिटेंट होते हैं कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ द किसके, फोटोकेमिकल स्मॉग के। अब दूसरी बात जो होती है वो होती है आपकी पार्टिकुलेट मैटर्स की। पार्टिकुलेट मैटर्स जो आपके हो गए PM10 और PM2.5, PM10 को तो हटा दो, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि वो कोर्स पार्टिकल होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, PM यानी 10 माइक्रोन से जो भी ज़्यादा होंगे वो, तो उनका इम्पैक्ट आपके बॉडी पर उतना इम्पैक्ट नहीं होता, होता है लेकिन उतना नहीं होता, उससे क्या कहते हैं डिमिंग हो सकती है, क्या कहते हैं विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन जितना इम्पैक्ट आपका PM2.5 करेगा उतना, क्योंकि ये इनका जो साइज 0.1 to 1 micrometer causes सीरियस हेल्थ hazards, because क्यों, because दीज पार्टिकल पेनीट्रेट द लंग्स, ब्लॉकिंग एंड इरीटेटिंग एयर passages कैन हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट, अंदर चले जाएंगे। सूट पार्टिकल जो कि भी आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं वहाँ से निकलते हैं, सूट पार्टिकल पॉजेस अ कोल एक्टिवेटेड की तरफ एक तरीके से क्या कहते हैं कि सरफेस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सब्सटेंस और टॉक्सिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट या हाइड्रोकार्बन सबको, उसको सेटल डाउन होने के लिए। जो सूट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि एक्टिवेटेड होते हैं और पूरी तरीके से फेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसमें चिपकते जाते हैं हाइड्रोकार्बन और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स। सूट पार्टिकल्स पोजेस पार्टिकुलर प्रॉब्लम बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, थोड़ा बहुत नहीं सिग्निफिकेंट अमाउंट, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल ऑन दियर इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस क्या होता है, क्योंकि यही इरेगुलर सरफेस होने की वजह से ही उसकी जो सबसेट की टॉक्सिक केमिकल के साथ बाइंडिंग होती है बहुत तेज़ी से होती है, और क्योंकि एक्टिवेटेड होता है इसलिए और तेज़ी से होती है। कोल फायर रिलीज सूट एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड इन अ फॉगी कंडीशन एज अ रिजल्टिंग एरोसॉल कैन कम्बाइन विथ सूट टू प्रोड्यूस टॉक्सिक स्मॉग विद द सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। तो सूट पार्टिकल्स हो गया आपका, एरोसॉल हो गया आपका, और PM2.5 हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हो गई, और बाकी चीज़ों से इन चीज़ों से जो होने वाली बीमारियाँ हैं उनको आप देखिएगा, एक तरीके से रिवाइज करिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो आपके दिए गए हैं वो क्राइटेरिया जो कि पॉल्यूटेंट हैं, फिर उनके बाद उनका टाइम वेटेज पे दिया गया है 24 hours एनुअल, दो चीज़ों को छोड़ करके, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो ओजोन है ये 8 घंटे और 1 घंटे, कार्बन मोनोऑक्साइड 8 घंटे और 1 घंटे इनका क्यों, बाकी सबका 24 घंटे और पूरे साल भर के लिए क्यों, क्योंकि ओजोन का फॉर्मेशन मैंने आपका फिर से बता रहा हूँ वहीं कि क्या कहते हैं यूनिट फर्स्ट के वीडियो में, जबकि एयर के बारे में डिस्कस किया, पैन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया, तो उसमें आप देखेंगे कि NO2 के फॉर्मेशन से ही ओजोन का फॉर्मेशन किस तरीके से बढ़ता है, और वो तब होता है जबकि सनलाइट की इंटेंसिटी यानी 390 नैनोमीटर की लाइट जो होती है उसके पीक पॉइंट और हाई टेम्परेचर थोड़ा सा होता है तो डिसोसिएशन होता है और ओजोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो दोपहर के समय होता है, दिन के समय होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो लाइट होगी तभी तो होगा, तो दिन के 8 घंटे उसको काउंट करके इसके बेसिस पे इसको निकालते हैं, या दोपहर के 1 घंटे, तो 1 घंटे या 8 घंटे रात में फॉर्मेशन होगा, नहीं तो 24 घंटे और निकालने का मतलब ही क्या है इसका। तो ओजोन का फॉर्मेशन इतने ही टाइम पीरियड में होता है, दोपहर में ही पीक पॉइंट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का फॉर्मेशन जब होता है तो उसी बेसिस पे ही उसका कॉन्टिन्यूइंग होगा, उसी तरीके से उसके क्वांटिफिकेशन की जाएगी कि हाँ इतने टाइम बेसिस पे टाइम वेटेज एवरेज निकाल करके इसका 8 घंटे का और 1 घंटे का इस्टीमेशन किया जाएगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका एनुअल और 24 hours के बेसिस पे, देखो ये भी चीज़ और नोट कर लो, एनुअल का जो कंसंट्रेशन होगा वो किसी भी आपके पॉल्यूटेंट का वो कम होगा कंपेरिजन टू 24 hours। अब एनुअल में तो आप 24 hours जितना अगर इमिट करोगे तो मतलब साल भर उतने ज़्यादा अमाउंट में इमिट करोगे, 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, नहीं ना, तो एनुअल का जो होगा वो कम होगा और 24 hours का जो होगा वो ज़्यादा होगा। और फिर उसके बाद जो उसके मेथड दिए गए हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इतने चार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको रट डालो अच्छे तरीके से। तो सल्फर और डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका, ये डायरेक्ट आपके क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है आपका 1981 उससे लिया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका एनुअल, इसका कंसंट्रेशन जो है रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल रूरल एरिया में वो है आपका 50-20 किसके लिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन एरिया के लिए, किसमें, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। और एनुअल 24 hours के लिए क्या है 80-80 यानी 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दोनों एरिया के लिए 24 घंटे में इतना इमिट होना चाहिए। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन एरिया में ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से छूट ही दी गई आप कह सकते हो, क्योंकि दोनों एरिया में सेम नॉर्म रखना एक तरीके का वही होगा।
आप उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जो उसके इम्प्रूव्ड वेस्ट गीक मेथड सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंस मेथड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, एनुअल इसका है 40 और 30, एक तरीके से आप इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल तरीके से आप डिवाइड कर लो, चार्ट ऊपर देखो समझ में आ जाएगा, 24 आवर्स के लिए 80 80, सेम मेथड जो है इसका मॉडिफाइड जैकब एंड हो, क्या लिखा गया है सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको भी, ये है आपका हॉचिसर क्या कहते हैं सोडियम आर्सेनाइट मेथड, बेसिकली आप यही समझ सकते हो मॉडिफाइड जैकब एंड हॉचिसाइस मेथड सोडियम एंड आर्सेनाइट। फिर उस बेसिकली ये होता है केमी लुमिन क्या कहते हैं लुमिनेंस जो होता है, जो ऑनलाइन जब देखते होगे CPCB ऑनलाइन इसका डेटा प्रोवाइड करती है आपको, तो वो केमी लुमिनेंस होता है, केमी लुमिनेंस जो होता है ये आपका ये NO2 के बेसिस पे होता ही जो है निकाला जाता है आपका, बाकी नॉक्स कंसंट्रेशन जो होते हैं NO2 के बेसिस पे जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग जो की जाती है वो केमी लुमिनेंस के बेसिस पे ही की जाती है जो CPCB करती है। पर्टिकुलेट मैटर 10 एनुअल और 24 आवर्स, एनुअल के लिए 60 60 और 100 के लिए आपका हो गया 24 आवर्स के लिए। फिर आप देखें यूनिट क्या है, वही माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्रेविमेट्रिक मेथड, TOM मेथड और बेटा एटेन्यूएशन मेथड। फिर उसके बाद होता है आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, ये एनुअल के लिए आपका 40 40 हो गया, 24 आवर्स के लिए 60 60 हो गया, सेम मेथड होगा ऑब्वियस ही बात है। ओजोन 8 घंटे और 1 घंटे, 8 घंटे के लिए कितना 100 100, 1 घंटे के लिए कितना 180 180। यूवी फोटोमेट्रिक केमी लुमिनेंस एंड केमिकल मेथड्स, बहुत सारी रिमोट सेंसिंग की भी टेक्निक है जिससे ये सब मेज़र किए जाते हैं, सब के सब नहीं पर पार्टिकुलेट मैटर एरोसोल हो गया आपका, NO2 हो गया, ओजोन हो गया, मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाकी चीज़ें कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो गया आपका। फिर आपका आता है लेड कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड जो होता है आपका एनुअल 0.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और मेथड जो होगा ऑब्वियस ही बात है हैवी मेटल है तो AAS ICP-MS मेथड हो सकता है, सैम्पलिंग मेथड ऑन EPM इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर हो गया, ED XRF यूजिंग टेफ्लॉन फिल्टर हो गया। फिर आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो आपका 8 आवर के लिए और 1 घंटे के लिए, इसका यूनिट कल यहाँ पे चेंज हो गई, याद रखना यहाँ पे चेंज हो गई, सबकी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है लेकिन इसकी मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है 2 2 4 4। इसी तरीके से आपका अमोनिया का भी हो गया एनुअल के लिए 100 100 और 24 आवर्स के लिए 400 400, मेथड क्यूमी ल्यूमिनेंस हो गया और एंडोफिनॉल हो गया, थोड़ा ज़्यादा जूम है क्या ओके। फिर आपका था IGCC मेथड, IGCC कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल जो मेथड होता है ये बेसिकली क्या होता है, कोल वाटर स्लरी इज ब्रॉट इनटू अ कॉन्टेक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म अ फ्यूल गैस और सिंगैस, सिंगैस मीन्स क्या हो गया फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये होती है सिंगैस। मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन IGCC इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल टू कंट्रोल कार्बन इमिशन फ्रॉम द कोल फायर्ड पावर प्लांट बाई फर्स्ट कन्वर्टिंग कोल टू सिंगैस। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द गैस क्लीनिंग स्टेज इन अ सच वे दैट द कार्बन कैन एक्सट्रैक्टेड बिफोर द कंबस्टन, कंबस्टन से पहले ही उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, ऐसी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन को सिक्वेस्ट करना, स्टोर करना, बनाना, हटाना, रिमूव करना, मेंटेन करना, प्रिवेंट करना, ये सारी चीज़ें क्या करता है IGCC, एक ऐसा टूल है। कई सारे फ्लोराइज टूल्स भी यूज किए जाते हैं, IGCC थोड़ा सा उसमें से एडवांस। फिर उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपका एयर पोल्यूशन का जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन कलेक्टर बेसिकली क्या आपका पार्टिकल थोड़ी बड़े पार्टिकल के लिए होता है, फॉर रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल द मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोल डिवाइस इज अ सेंट्रीफ्यूगल और द साइक्लोन कलेक्टर। इफिशियंसी ऑफ साइक्लोन कैन बी अबव 90%, ज़्यादा हो सकती है फॉर पार्टिकल साइज लार्जर देन होता है, जो बड़ा होता है काफ़ी कुछ, बट द इफिशियंसी ड्रॉप ऑफ रैपिडली फॉर द स्मॉल पार्टिकल साइज, जैसे स्मॉल पार्टिकल साइज होंगी इनकी इफिशियंसी अपने ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल इनका फोर्स होता है और साइक्लोनिक का जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया होता है प्रिंसिपल, उस पर ये एक तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। दैट आर द ग्रेटेस्ट कंसर्न ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है एंड मेंटेनेंस फ्री, मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है, बट विच मेक देम आइडियल, इनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, इनको आप कम्प्लीटली रिमूवल के लिए यूज नहीं कर सकते हो एयर पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए, बट एज अ प्री क्लीनर फॉर मोर एक्सपेंसिव एंड क्रिटिकल फाइनल कंट्रोल डिवाइस सच एज अ बैग हाउस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है
प्री क्लीनर, जैसे ही आपके कोई भी आपका पावर प्लांट है वहाँ से अगर पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो साइक्लोन कलेक्टर को आपको प्री क्लीनर एक तरीके से दो बार में जब ट्रीटमेंट दो तरीके से उसको रिमूव करोगे तो प्री क्लीनर लगा करके एक बार साफ़ कर दो उसको, तब जा करके जो गैस होगी वो सेकंड चैम्बर यानी आपका चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या बैग हाउस में उसको आप डालो, लेकिन प्री क्लीनर की तरह पहले आप जो चिमनी से जो भी धुआं निकलेगा जो भी निकलेगा आपके स्टैक से उसको आप साइक्लोन कलेक्टर के थ्रू प्री क्लीन कर दो। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, बहुत ही ज़्यादा एडवांस, इसकी इफिशेंसी बहुत ही ज़्यादा है टू कलेक्ट रियली स्मॉल पार्टिकल। मोस्ट यूटिलिटी पावर प्लांट यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, द प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड द वायर आर चार्ज्ड अप, कितना बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज पर हेप्स क्या कितना है 1 लाख वोल्ट, द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत ही ज़्यादा होता है, द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड अ नियर वायर काजेस कोरोना डिस्चार्ज आयोनाइजिंग गैस मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्ट्रीम। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन ईजिली रिमूव मोर दैन 90% ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू देम इंक्लूडिंग पार्टिकल ऑफ सब माइक्रोन साइज, जो छोटे होंगे उनको भी, सम इवन हैव इफिशेंसी ग्रेटर देन 99.9%, इतनी इसकी इफिशेंसी ज़्यादा होती है। अब एरिया रिक्वायरमेंट, जो को इफिशेंसी निकालने का जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो फार्मूला है वो है ईटा इज इक्वल टू 1 - e^W^A/Q, जहाँ पे आपका एन जो है ये फ्रैक्शनल कलेक्शन इफिशेंसी है, ए इज़ द टोटल एरिया कलेक्शन रेट है, क्यू इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है गैस है अब जे इसके थ्रू प्रेसिपिटेटर के थ्रू जाता है, एंड डब्ल्यू इज़ द पैरामीटर नोन एज द इफेक्टिव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इसके थ्रू निकाला जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं काफ़ी। अब जो मेन चीज़ आ रही है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में, तो बेसिकली अब हम जान ही लेते हैं कि है क्या ये एडियाबेटिक लैप्स रेट। पहले इसको समझते हैं क्या है ये। देखो एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है, एडियाबेटिक मीन्स हो गया कोई सिस्टम है आपका, एक तरीके से मान के चलो कि कोई तरीके का आपका चैम्बर है कोई भी तरीके का, तो उसमें ना तो क्या कहते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है और ना तो एनर्जी को रिलीज़ किया जा सकता है, जो है सो है, एकदम से कुछ नहीं किया जा सकता, एक्सटर्नल ना तो दी जा सकती है ना तो इंटरनल से बाहर आ सकती है, कुछ नहीं, जो है वही है, और उसको जब रिलीज़ करना होगा तो वो एडियाबेटिकली यानी एक्सपेंशन से और कंप्रेशन से रिलीज करेगी, तो ये जो प्रोसेस होता है ये एडियाबेटिक का प्रोसेस होता है। जैसे कोई एयर पार्सल हो गया आपका, वो अगर एयर पार्सल समझ लो, एयर पार्सल एक तरीके से आप बैलून समझ लो, या फिर क्या कहते हैं कि जैसे आप साइकिल में हवा भरते हो तो हवा जो उस ट्यूब में जा रही है तो कैसे कि उसके मालिक को प्रेशर बढ़ा रही है तो हीटअप हो रहा, जो उसका नॉब होता है वो हीट हो जाता है ना, तो अब इसी बात है जब वो उसमें से रिलीज़ करोगे प्रेशर तो वो ठंडी होगी, प्रेशर रिलीज करने की वजह से जब अब प्रेशर रिलीज होगा जिसी तरीके से एयर पार्सल जैसे ऊपर जाएगी वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो प्रेशर उसका कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो इंटरनल जो उसकी एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो थोड़ी बहुत रिलीज होगी, मतलब कम हो जाएगी, कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर डाउन होगा, कूल होगी, वजह से ऊपर जाएगी यानी कूल होगी, तो यही कंडीशन होती है एडियाबेटिक लैप्स रेट में। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट बेसिकली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये है कि आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, एग्जैक्टली तो 9.76 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर रफली हम उसको मानते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक किलोमीटर जाने पे टेम्परेचर कम होता है वर्टिकली ऊपर जाओगे तो। अब देखो द एक्चुअल एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस फास्टर विथ इंक्रीजिंग एलिवेशन, अब ये बता रहे हैं कि आप इमेजिन कर लो एक तरीके से कि एयर पार्सल है एक, फिर उसके चारों तरफ का एक सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, एक तो एक एयर पार्सल के अंदर का टेम्परेचर हो गया, जो एयर पार्सल का टेम्परेचर है वो आइसोलेटेड एक मान के चलो एक बाउंड्री है उसकी, इमेजिनरी बाउंड्री है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं वो एक बलून टाइप का मान लो, फिर बलून हो गया एक तरीके उसको एयर पार्सल मान लो, फिर आपके जहाँ पे वो उड़ रहा है यानी एटमॉस्फियर में जो बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसके वो आपका इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर होगा यानी एम्बिएंट टेम्परेचर जो होगा। इफ़ द एक्चुअल एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस फास्टर विथ इंक्रीजिंग एलिवेशन देन द एडियाबेटिक लैप्स रेट, द एयर विल अनस्टेबल एंड रैपिड मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट विल अकर, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि ये कहने का मतलब इनका बेसिकली ये है कि जैसे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होगा उससे पहले ज़्यादा तेज़ी से फास्टर तरीके से डिक्रीज हो,
जैसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडियाबेटिक लैप्स रेट कांस्टेंट रूप में चल रहा है, बट जो आपका एयर पार्सल हो गया है उसका ये होगा कि आप मान के चलो कि उसका टेम्परेचर डाउन है, थोड़ा सा वो डिक्रीज जल्दी हो जा रहा है। जल्दी होने का मतलब ये है कि वो 12 पे हो जा रहा है या 13 पे हो रहा है, 14 पे हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में आपके एम्बियंट टेम्परेचर के कंपैरिजन में जो पार्सल का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। जब पार्सल का टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्म होगा वो अपने सराउंडिंग से, सराउंडिंग उसका जो होगा ठंडा होगा और एयर पार्सल जो होगा गर्म होगा। जब एयर पार्सल गर्म होगा तो गर्म हवा की टेंडेंसी क्या होती है, वो हल्की होती है, लेस डेंस होती है, और धीरे धीरे वो इसकी वजह से ऊपर बढ़ेगी, यानी हवा चलती रहेगी, ऊपर बढ़ता रहेगा वो और वो मूव करता रहेगा। जब वो मूव करता रहेगा इसी को बोलेंगे कि अनस्टेबल है। स्टेबल मतलब रुक जाना ना, अनस्टेबल मतलब चलते रहना, तो वो चलता ही रहेगा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल है एटमॉस्फियर। फिर सेकेंड कंडीशन आती है, इफ द एक्चुअल एयर टेम्परेचर ड्रॉप मोर स्लोली देन द एडियाबेटिक लैप्स रेट, अब एडियाबेटिक लैप्स रेट से बहुत ज़्यादा कम, द एयर विल स्टेबल एंड एयर पॉल्यूटेंट विल कंसनट्रेट, तो हवा रुक जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब उससे ठंडी होगी हवा अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग से जब एयर पार्सल जो होगा ठंडा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मूव नहीं, क्योंकि बाहर की हवा गर्म है और वो ठंडा है, जो ठंडे की क्या होती है कि वो उसको सिंक डाउन बैठने की कोशिश करेगा कि वो नीचे जाके बैठे। गर्म हवा जो कि भारी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जब भारी होगी तो वो अपने एक टेम्परेचर पर रुकी रहेगी जब तक कि वो उस अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्विवेलेंट ना हो जाए या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तभी बढ़ेगी, या इक्विवेलेंट रहेगी तो नहीं बढ़ेगी, जब नहीं बढ़ेगी तो रुकी रहेगी, जब रुकी रहेगी तो स्टेबल होगा। द एयर विल बी स्टेबल एंड एयर पॉल्यूटेंट विल बी कंसनट्रेटेड, तो भैया स्टेबल होने पे ही तो पॉल्यूशन कंसनट्रेट होगा, क्योंकि हवा मूव नहीं करेगी तो चिमनियों से निकलने वाले, स्टैक से निकलने वाला जो पॉल्यूशन होगा या कहीं से भी निकलने वाला पॉल्यूशन होगा, जो फ्यूम होगा वो रुका रहेगा, वो मूव करेगा ही नहीं एक ही जगह, तो कंसनट्रेट होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसका कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा। जब अनस्टेबल रहेगा तो अनस्टेबल कंडीशन में ही पॉल्यूशन का डिस्पर्सन होता है, पॉल्यूशन का डाइल्यूशन होता है। अनस्टेबल कंडीशन ही सबसे अच्छी कंडीशन मानी जाती है कि इससे पॉल्यूशन रिमूव होते रहते हैं, हटते रहते हैं। स्टेबल हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इसी इमेज में आप देख ही लो कि द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज कॉन्स्टेंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है, दो ड्राई और सेचुरेटेड, ड्राई जो होता है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सेचुरेटेड को जो मान लेते हैं विथ वेरी टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर इज अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है आपकी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आती है कि आप बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर किस तरीके से स्टेबल, मैंने थोड़ा बहुत एक फीडबैक आपको मिल गया, अब थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाओ आपकी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है क्या। देखो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बेसिकली होती है डिफरेंस किसके बीच में, एम्बियंट लैप्स रेट एंड द एडियाबेटिक लैप्स रेट, जो मैं बताता रहा हूँ। एम्बियंट लैप्स रेट हो गया यानी कि जो आपका एनवायरमेंट का हो गया, डिफरेंस किसके बीच में, एडियाबेटिक लैप्स रेट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यही बताएंगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, और यही बताएगा कि पोल्यूशन का डिस्पर्सन होगा, डल्यूशन होगा कि नहीं होगा या फिर रुका रहेगा, यही बताएगा कि आपके प्ल्यूम का क्या बिहेवियर है, कौन सा प्ल्यूम भी है। इफ़ इमेजिन राइजिंग द पार्सल ऑफ एयर स्लाइटली, इफ वी इमेजिन, आप इमेजिन करो राइजिंग द पार्सल ऑफ एयर स्लाइटली, इट विल एक्सपीरियंस लेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो इट विल एक्सपेंड बिकॉज इट विल हैव डन, क्या डन करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अब मैं आगे की बात यही कर रहा हूँ क्या कि आफ्टर राइजिंग द पार्सल, आप इमेजिन करो कि आप जैसे ही राइजिंग हो रही, कोई पार्सल है, एयर पार्सल है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब उसका टेम्परेचर आप नोट कर लो कि हाँ इसका टेम्परेचर इतना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड कंपेयर इट विद द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, अब इसके अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ मैचिंग कर लो, हाँ इसका इसका 20 है, इसका भी 20 है, दोनों का क्या कहते हैं एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की रेंज पे 20-20 दोनों का है। आप क्या कहते हैं कि इफ़ द पार्सल एट दिस हायर एलिवेशन इज़ नाउ कूलर देन इट्स सराउंडिंग, अगर क्या होता है कि जो पार्सल का टेम्परेचर है एक आयर एलिवेशन में कुछ ऊपर बनता, कुछ भी ऊपर जाते हैं थोड़ा बहुत, या 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, यानी समझ लो 1 किलोमीटर से वो 2 किलोमीटर पे गए, तो उसका जो 20-20 था, अब जो आपका जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो आपका हो जाए आपका कितना कम हो जाए,
और वो आपका जो क्या कहते हैं कि क्या उसका क्या कहते हैं कि सिस्टम का, यानी आप तरीके से कह सकते हो कि पार्सल का जो एयर टेम्परेचर हो वो कम हो जाए कंपेरिजन टू किसके, आपके एम्बियंट टेम्परेचर के। समझ रहे हो? बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो एयर पार्सल है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप इस इमेज पे देख लो। आप इसमें तो हम क्या कहते हैं अनस्टेबल की बात किए हैं, लेकिन एक तरीके से आप समझो, एक तरीके से ये कि जिस तरीके से एयर पार्सल मूव कर रही है ऊपर की तरफ, अब इज़ नाउ कोल्डर देन इट्स सराउंडिंग, वो अपने सराउंडिंग से क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। कोई भी एयर पार्सल है 1 किलोमीटर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड वो, और फिर वो दोनों ऊपर की तरफ मूव करें। अब 1 किलोमीटर मूव करने के बाद, कुछ हायर एलिवेशन जाने के बाद, ये पता चले कि जो आपका पार्सल है वो कोल्डर है किसके कंपेरिजन में, अपने एम्बियंट एयर की टेम्परेचर के कंपेरिजन में, इट विल बी डेंसर। तो वो उससे क्या होगा कि ज़्यादा भारी होगी। अब जब वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपेरिजन में ज़्यादा ठंडी है, ठंडी होने का मतलब उससे ज़्यादा कम टेम्परेचर है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नीचे यानी बैठने की, वो नीचे डाउन होने की। देन द सराउंडिंग एयर विल वॉन्ट टू सिंक बैक डाउन अगेन, कहाँ पर जाएगी, अपने ओरिजिन स्टेट में जहाँ दोनों 20-20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्वलेंट थे। डैट इज़ वाट एवर इट वॉज द काज द पार्सल टू स्टार्ट टू मूव अपवर्ड विल इमिडिएटली टू बी अपोज्ड। वहीं से जहाँ से ये पता चलेगा कि हाँ, इस जो आपके आपके बाहर का टेम्परेचर है वो 40 है, और आपके जो सिस्टम का टेम्परेचर, पार्सल का टेम्परेचर है वो 20 है, यानी वो उसके कंपेरिजन में ठंडी है, ठंडी है, तो वहीं डिसाइड हो जाए उसका ऊपर जाने का जो टेंडेंसी होगी उसको कम कर देंगे तुरंत, और वो अपोज कर दिया जाएगा, वो फिर से नीचे बैठेगी जहाँ पे दोनों 20-20 इक्विवेलेंट ना हो जाएं। पार्सल टू स्टार्ट टू मूव अपवर्ड विल इमिडिएटली बी अपोज्ड बाई द कंडीशन दैट मेड द पार्सल वॉन्ट टू बैक डाउन अगेन, द एटमॉस्फियर इज सेड टू बी स्टेबल। ये क्या बोला जाएगा, स्टेबल बोला जाएगा। अब किसी अब इसी तरीके से आप इमेज में देखो कि फिगर बिलो शोन एन एम्बियंट टेम्परेचर प्रोफाइल, इसको समझने की ही ज़रूरत है। अब एम्बियंट टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर एयर दैट कूल्स मोर रैपिडली विथ एल्टीट्यूड, मोर रैपिडली विथ एल्टीट्यूड देन अ ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन दिस केस द एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज सेड टू बी सुपर एडियाबैटिक। अब आप इसमें देख लो, इमेजिन करो कि अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पार्सल हो गया आपका, ये देखो बेसिकली कितने पे, आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 1 किलोमीटर पे, ये अब ओके ऑफ एयर 1 किलोमीटर टू बी जस्ट लाइक अ सराउंडिंग, इसका जो सराउंडिंग एंड टेम्परेचर है उसके जस्ट इक्विवेलेंट पे है। ओके अब क्या है कि इफ़ दैट पार्सल इज रेस 2 किलोमीटर, आप यहाँ पे पहुँच गए ये 2 किलोमीटर पे, इट विल कूल एडियाबेटिकली टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो एडियाबेटिकली है इसका, इसके थ्रू ये मूव कर रहा है। ओके अब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड मूव हुआ, द 10 डिग्री सेंटीग्रेड पार्सल ऑफ एयर एट 2 किलोमीटर इज़ नाउ वार्मर, अब इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा गर्म हो गया ना। अब ये देखो कि जब ये पहुंच गया 2 किलोमीटर पे, तो 2 किलोमीटर पे इसका टेम्परेचर हो गया कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर कितना है, 10, तो ये 0 है 10 है, तो इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा गर्म है। जब इसके कंपेरिजन में ये गर्म है, तो गर्म होने का मतलब ये है कि ये लेस डेंस है, लेस डेंस का मतलब ये है कि ये गर्म है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों इक्विवेलेंट ना हो जाएं, तभी रुकेगा ना, जब ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे तभी रुकेंगे। तो ये कंडीशन क्या बोली जाएगी, अनस्टेबल, यही कंडीशन जो होती है सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होती है, और इसी कंडीशन को अनस्टेबल कंडीशन बोले जाएगा कि जब उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो, यानी गर्म होगी। तो यही बात मैंने इसमें भी कही थी। सो फिर स्टेबल कंडीशन क्या होती है आपकी, आप नेक्स्ट आप देखिए क्या कहते हैं कि वही वही बात की गई है उसमें भी, द एम्बियंट टेम्परेचर प्रोफाइल इज ड्रॉन फॉर द सुपर एडियाबैटिक सब एडियाबैटिक केसेस इन विच द एम्बियंट टेम्परेचर कूल्स लेस रैपिडली। अब इसी इमेज में भी देखो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब क्या हुआ कि 2 किलोमीटर पे आए, जब 2 किलोमीटर पे आए इसका टेम्परेचर 10 है और इसका 16 है, तो ये जो है इसका टेम्परेचर 16 है और इसका 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने सराउंडिंग इन टेम्परेचर के कंपेरिजन में ठंडी है, ऑब्वियस सी बात है ना। ये आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 16, ये आपका जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ये क्या है 16, और 16 है और इसका कितना है 10। ओके
अब ये 16 है, 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पार्सल का टेम्परेचर है वो कम है। जो कम है किसके कंपेरिजन में कम है, वो है आपके कंपेरिजन के कितने एटमॉस्फियर यानी आपका जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, उससे जब कम है तो ज़्यादा हैवी होगा, जब हैवी होगा तो यानी ये ठंडी हवा की ये क्वालिटी होती है कि वो नीचे की तरफ सिंक डाउन बैक करेगी, तो नीचे की तरफ बैठेगी, कहाँ तक आएगी, इसके इक्विवेलेंट तक आएगी, ऑब्वियस सी बात है यहीं तक आएगी ना, जब तक दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे यहीं से इसके ऊपर जाने की मूवमेंट को रोक दिया जाएगा कि भैया अब ऊपर नहीं जाना है आपको, अब यहीं से आप नीचे जाओगे। ओके, क्योंकि अब वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर कंपेरिजन में ठंडी है। इफ़ वी वंस अगेन इमेजिन अ पार्सल ऑफ एयर एट 1 किलोमीटर एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द दैट इज़ फॉर वन रीज़न और अदर नच अपवर्ड, इट विल फाइंड इट सेल्फ कोल्डर देन द सराउंडिंग एट इट इज़ अ न्यू एलिवेशन, इट एक्सपीरियंस द सेम प्रेशर एज द एयर अराउंड इट बट इट कोल्डर, सो इट विल अ डेंसर एंड इट विल बी सिंक डाउन। बात वही हो गई। कन्वर्सली अ पार्सल स्टार्टिंग एट 1 किलोमीटर एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड दैट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड विल गेट वार्मर एंड लेस डेंस इट्स सराउंडिंग, सो बॉयंसी फोर्स विल पुश इट बैक अप अगेन। इन द अदर वर्ड्स एनी थिंग दैट स्टार्ट्स पार्सल ऑफ एयर मूविंग अप और डाउन विल कॉजेज द पार्सल एक्सपीरियंस फोर्सेज दैट विल वॉन्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिन एल्टीट्यूड, और यही कंडीशन बोली जाएगी आपकी, क्या बोली जाएगी, ये स्टेबल, ये हो गया आपका स्टेबल कंडीशन। फिर आपका जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन में भी क्या होगा कि वो स्टेबल कंडीशन आ जाती है। इन्वर्जन यानी हो गया आपका कि देखिए मेन टेंडेंसी क्या होती है आपकी कि ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये होता है एलिवेशन, तो आपका टोपोस्फीयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर ऐसे होता है यानी टेम्परेचर डाउन होता है, बट इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा यानी क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर नीचे आपको ठंडी हवा, ऊपर यानी गर्म हवा, नीचे नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा, यानी एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका स्टेबल रहता है। आप देखते हैं देयर आर आ सेवरल काजेज ऑफ इन्वर्जन बट द टू दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन एयर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्टैंड पॉइंट, द रेडिएशन इन्वर्जन एंड द सब्सिडेंस इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन और सब्सिडेंस इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन आर कास्ड बाई द नॉक्टूरल कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस स्पेशली ऑन अ क्लियर विंटर नाइट, द सेकेंड सब्सिडेंस इन्वर्जन आर द रिजल्ट ऑफ द कंप्रेसिव हीटिंग ऑफ द डिसेंडिंग ऑफ एयर मासेस इन हाई प्रेशर जोन। देर आर अदर लेस इंपॉर्टेंट काज ऑफ द इन्वर्जन सच एज अ फ्रंटल इन्वर्जन, अ फ्रंटल इन्वर्जन इज अ क्रिएटेड, रेडिएशन इन्वर्जन, सब्सिडेंस इन्वर्जन हो गया, फ्रंटल इन्वर्जन एक स्पेशल टाइप का जिसमें क्या होता है वेन अ कोल्ड एयर मासेस पासेस अंडर अ वार्म एयर मासेस, बट दीज शॉर्ट लिव्ड एंड टेंड टू बी अकम्पेंड बाई द प्रिसिपिटेशन दैट क्लीन क्या कहते हैं क्लींसेस द एयर। वही बात होती है बस, और कुछ इसमें खास बात नहीं है, तीन चीज़ें याद रखो, रेडिएशन इन्वर्जन, सब्सिडेंस इन्वर्जन और फ्रंटल इन्वर्जन, बस और कुछ खास नहीं। अब फिर आपका आ जाता है प्ल्यूम बिहेवियर जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप पहली इमेज को देखो, पहली इमेज में क्या है कि आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो दोनों करीब करीब इक्वल है। इक्वल है मीन्स क्या है कि अ स्मोक स्टैक वेयर इमिट पॉल्यूटेंट इनटू अ न्यूट्रल स्टेबल एटमॉस्फियर, न्यूट्रल स्टेबल, जब ये आप इक्विवेलेंट हैं दोनों के दोनों तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या होगी, न्यूट्रल स्टेबल होगी। जब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट और सॉरी एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट करीब करीब इक्वल हैं तो न्यूट्रली स्टेबल कंडीशन होगी जिसमें क्या फॉर्मेशन होगा, कोनिंग। वी माइट एक्सपेक्ट द प्ल्यूम टू बी रिलेटिवली सिमेट्रिकल, द टर्म यूज टू बी डिस्क्राइब दिस इज कोनिंग। तो ये क्या फॉर्म होगा, जब न्यूट्रली स्टेबल दोनों इक्विवेलेंट होंगे, दोनों बराबर होंगे तो क्या फॉर्म होगा, कोनिंग। अब क्या होगा, जब आएगी आपकी लूपिंग की कंडीशन यानी द एटमॉस्फेयर इज वेरी अनस्टेबल, वही बात हो गई एटमॉस्फियर और इनोमेंटल लैप्स रेट, सॉरी क्या कहते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट और इनोमेंटल लैप्स रेट, जब इनोमेंटल लैप्स रेट ग्रेटर देन हो जाएगा आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा कंपेरिजन टू आपके एडियाबेटिक लैप्स रेट के, तो आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट का जो पार्सल है वो क्या होगा, गर्म होगा, तो पार्सल क्या करेगा ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करता ही रहेगा तो कंडीशन क्या होगी, अनस्टेबल कंडीशन होगी। जब अनस्टेबल कंडीशन होती है ऐसी ही तो वो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होती है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, लूपिंग प्ल्यूम का, ऐसा लूप बनाता है यानी फिगर बी में।
फिर होता है आपका फैनिंग प्लूम। अब फैनिंग प्लूम क्या होता है, फैनिंग प्लूम रिजल्ट वेन अ स्टेबल एटमोसफियर, स्टेबल कंडीशन हो गया। अब ये अब क्या कब आ गया, आपका इन्वर्जन कंडीशन में, ये भी ध्यान में रखना, आपका इन्वर्जन कंडीशन भी आ गया और जब आपका क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट लेस देन हो जाता है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट की। अब इसमें क्या होता है कि आपका जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो उसके कंपेरिजन टू ठंडा है। अब आपका ये देखोगे कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जब स्टेबल है, सॉरी क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के कंपेरिजन में आपका जो पार्सल है वो ठंडा है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो वहीं रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर आपका स्टेबल बोला जाएगा, क्योंकि हवा मूव नहीं कर रही है। तो कौन सी प्लूम का फॉर्मेशन होगा, फैनिंग प्लूम का फॉर्मेशन होगा, फिगर सी में आप देखेंगे। फिर आपका आता है फिगर डी, अ स्टैक इज अ अंडर इन्वर्जन लेयर, स्टैक इज अंडर, आपका स्टैक जो होगा वो अंडर आएगा इन्वर्जन लेने के। पहले तो आपका चल रहा है अनस्टेबल कंडीशन चल रही है, शुरू में आपका अनस्टेबल कंडीशन चल रही है, लेकिन स्टैक हाइट से जस्ट ऊपर आपका क्या हो जा रहा है, इन्वर्जन कंडीशन हो जा रहा है। इन्वर्जन यानी स्टेबल कंडीशन हो जा रहा है, यानी स्टैक हाइट्स के ऊपर इन्वर्जन कंडीशन मतलब है, स्टेबल कंडीशन मतलब है एक स्टेबल बाउंड्री हो गई आपके जस्ट किसके ऊपर, जस्ट आपके इसके ऊपर। अब जो प्ल्यू जो धुआं होगा अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टेबल कंडीशन है, वो अनस्टेबल की तरफ भागेगा यानी नीचे की तरफ, यानी नीचे की चीज़ों को पॉल्यूट करेगा। अब ये कंडीशन जो होती है, ये होती है फ्यूमिगेशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि सारा का सारा धुआं आपके नीचे की तरफ आता है। फिर आपकी आती है लोफ्टिंग प्ल्यूम की, द स्टैक अबव एन इन्वर्जन लेयर इज अ मिक्सिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज अनहिबिटेड बट डाउनवर्ड मोशन इज अ ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड बाई द इन्वर्जन स्टेबल कंडीशन एयर सच लोफ्टिंग हेल्प की पॉल्यूटिंग हाई अबव द ग्राउंड रिड्यूसिंग, वही बात हो गई। अब इसमें आप देख लो कि क्या इसमें कंडीशन, इसमें कंडीशन यही है, पहले इन्वर्जन कंडीशन है, पहले आपका इन्वर्जन कंडीशन है ये, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ये आपका जा रहा है अनस्टेबल कंडीशन, पहले स्टेबल है फिर अनस्टेबल है, पहले स्टेबल इन्वर्जन में इन्वर्जन कंडीशन में स्टेबल हो गया, इन्वर्जन है ना ये ऊपर के ऊपर जैसे जा रहा हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी उसके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो ठंडा है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म है, फिर लेकिन ऊपर क्या हो रहा है उल्टा होता जा रहा है वो धीरे धीरे, तो आपका जो क्या कहते हैं कि स्टेबल कंडीशन आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। स्टेबल कंडीशन कहाँ जा रहा है, स्टेबल कंडीशन ये आ जा रहा है जस्ट स्टैक के एकदम बाउंड्री पे, तो फ्यूम जो होगा इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे आएगा, ये बेस्ट कंडीशन होती है, इसके पॉल्यूशन नीचे आएगा नहीं, सीधा सीधा ऊपर ही चला जाएगा। तो ये आपके जो प्ल्यूम हो गए, ये हो गए, तब तक के लिए अगला वीडियो इंतजार करते हैं। थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।